Hi everyone, welcome back to my channel. Since we all are pretty bored sitting in our homes, I have a very easy best out of waste jewelry box DIY holder for all of you. If you are interested in this DIY, then please keep watching this video and also make sure you are subscribed to my channel. For this DIY, you will need this tape roll. So my tape is finished, that's why I will be using it. जब भी टेप आपका खत्म हो जाता है तो एक लेयर फिर भी रह जाती है तो आई विल गेट रिड ऑफ दैट ताकि जो भी मैं इस पे डेकोरेशन करूं वो इजीली स्टिक हो जाए। अगर आपके पास एक खत्म टेप का रोल नहीं है पर एक टेप पड़ा हुआ है जो आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो उसे भी आप इस DIY के लिए यूज कर सकते हैं। आई हैव दिस डेकोरेटिव पेपर लाइंग विद मी, आई विल यूज इट टू कवर इट अप। सिंस दिस इज अ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट DIY और हमें वही चीज यूज करनी है जो हमारे घर में पड़ी है, सो आई विल यूज दिस नायका बॉक्स का ये कार्डबोर्ड पार्ट टू मेक द बेस एंड लिड ऑफ द बॉक्स। I will take the measurement of the outer part of the roll ताकि हम उसे कट करके एंड कवर करके जो ज्वेलरी बॉक्स हम बनाएंगे उसका वो बेस बन जाए। कार्डबोर्ड को कट करने के बाद हम जो डेकोरेटिव पेपर है उस पर एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, उस कार्डबोर्ड के सर्कल से थोड़ा सा बड़ा, और एक रफ सर्कल बनाएंगे। हमें एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पेपर को भी कर लेंगे हम कट और कार्डबोर्ड के ऊपर हम इस तरह से फेविकॉल लगा के इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम पेपर पे इस तरह से कट लगाएंगे। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि हम इस पे इजीली फेविकॉल लगा के अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके कवर कर दें। आफ्टर पुटिंग द फेविकॉल वी विल स्टार्ट पुटिंग द फ्लैप्स लाइक दिस, अंदर की तरफ उसे फोल्ड करके हम पेस्ट कर देंगे। अब हम अपने रोल की मेजरमेंट लेंगे एंड जो भी उसका साइज आएगा हम उससे 2-3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे। पेपर को कर लेंगे हम कट और पूरे ही रोल में हम फेविकॉल लगा के इस तरह से इसे कवर करेंगे। एंड एंड में भी हम इसे सिक्योर कर लेंगे फेविकॉल लगा के। इसमें भी हम सेम तरह से स्लिट्स लगाएंगे और अंदर की तरफ इन्हें पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पहले पेस्ट किया था इसी तरह से हम इस स्टेप में भी इन्हें अंदर की तरफ फ्लैप्स को पेस्ट कर देंगे। कवर होने के बाद आवर रोल विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ वी विल मेक द लिड ऑफ आवर ज्वेलरी बॉक्स। उसके लिए हम अंदर वाला जो रेडियस है उसकी मेजरमेंट का एक कार्डबोर्ड कट करेंगे। अब हम ये एक बहुत पतला सा कार्डबोर्ड लेंगे जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मैं अपनी रोल की लेंथ का काट लूंगी और फिर इस पर फेविकॉल लगा के अंदर इसे स्टिक करूंगी। ध्यान रखिए कि जब आप इसे अंदर स्टिक करेंगे अपने रोल के अंदर तो ऊपर से 1 सेंटीमीटर का गैप लेके इसे स्टिक करना ताकि जो हमारी लिड होगी इसकी ज्वेलरी बॉक्स की वो इसके ऊपर रेस्ट करे। अब हम नीचे वाले पार्ट के ऊपर फेविकॉल लगा के जो बेस हमने पहले से ही रेडी करके रखा था उसे हम पेस्ट कर देंगे। अब ताकि थोड़ा सा और टाइडी लगे मैंने एक व्हाइट कलर का पेपर लिया है एंड मैं इसे इस तरह से स्टिक करूंगी ताकि थोड़ा सा और क्लीन दिखे। जिस तरह से मैंने ये पेपर अपनी लिड पे पेस्ट किया है इसी तरह से मैं बॉटम वाले पार्ट पे भी पेस्ट करूंगी ताकि ये अच्छा सा हमारा ज्वेलरी बॉक्स दिखे। अब हम अपनी ज्वेलरी बॉक्स के लिड पे लगाने के लिए कोई भी बीड्स या फिर बटन का यूज करेंगे एंड आई विल पेस्ट इट यूजिंग हॉट ग्लू गन, क्योंकि फेविकॉल से ये इतने अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड आवर वेरी इजी एंड रियली ब्यूटिफुल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ज्वेलरी बॉक्स इज रेडी। आप इसमें बड़ी ही इजीली अपनी ज्वेलरी स्टोर कर सकते हैं एंड ये आपकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ भी बहुत ही प्रिटी लगेगा। सो कैसा लगा आपको ये DIY मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं देन डू शेयर द पिक्चर विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम। नेक्स्ट वीक भी मैं एक DIY लाने वाली हूँ और ट्यूजडे को आने वाली है कुकरी वीडियो, सो डोंट मिस देम आउट। सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।